बी कॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी के पेपर में यूनिट नंबर सेकेंड द्वितीय यूनिट में टॉपिक है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस विषमता के माप यूनिट नंबर सेकेंड में स्टूडेंट सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मीन मोड मीडियन हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे पहले वीडियोस में उसके बाद यूनिट नंबर सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अप किरण के माप वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आज के मेरे इस वीडियो में ले रहे हैं टॉपिक मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस स्क्यूनेस विषमता विषमता के माप जब मैंने आप लोगों को डिस्पर्सन अप किरण बतलाया था तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस डिस्पर्सन जिसे कि हम अपकिरण के नाम से भी जानते हैं और अपकिरण के अंतर्गत मेन जो है उसका स्प्रेड उसका फैलाव उसकी बनावट के बारे में जो है वह नॉलेज मिलती है तो वो कहलाता है डिस्पर्सन और जब हम विषमता की बात करते हैं इस्क्यूनस की बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है स्क्यूड कितना है एसिमेट्रिक है या सममित है एसिमेट्रिक का मतलब होता है असममित और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित तो सममित और असममित ये टॉपिक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज विषमता और अपकिरण में अंतर तो स्टूडेंट आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि विषमता क्या है और इसके क्या क्या माप है मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट लेखा एवं व्यवसायिक विभाग गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्यूनेस क्या है जो मैंने आपको कहा कि विषमता स्क्यूड दैट इज किसी भी तरह का उसकी जो विषम है सममित है या असममित है धनात्मक है या ऋणात्मक है measure of skewness is being calculated for studying the shape of any series the measure of central tendency tell us about the concentration of the observation about the middle of the distribution जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्सन रिविल्स द आइडिया अबाउट द स्कैटर और डिस्पर्सल ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन डू नॉट टेल्स वेदर स्कैटर ऑफ वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑन एवरेज इज सिमेट्रिकल और नॉट यानी वह सममित हैं अथवा नहीं सममित या असममित हैं यह कौन बतलाता है विषमता का मा तो स्क्यूनस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अ मेजर टू टेस्ट द सिमेट्री और असीमेट्री ऑफ अ सीरीज सममितता और असममितता की जांच होती है और ये कैलकुलेट होता है फॉर स्टडिंग ऑफ शेप ऑफ एनी सीरीज लैक ऑफ सिमेट्री इन एनी सीरीज इज नोन एज स्क्यूनस दैट इज वैन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज गोज अवे फ्रॉम द सीमेट्री सच सिचुएशन इंडिकेट्स दैट इज

नॉर्मल का मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक बेल शेप होती है देखो एक डायग्राम स्टूडेंट मैंने आप लोगों को दिखाया है दैट इज बेल शेप बनी और इस बेल शेप के मिड में बिल्कुल मिड में हम कहेंगे एक्स बार इज इक्वल टू एम इक्वल टू जेड यानी कि माध्य मध्यिका और बहुलक तीनों समान होते हैं इस मिड में यह न तो धनात्मक झुकाव लिए हुए न ऋणात्मक झुकाव लिए हुए हैं इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सममित मित्रण तो जब हम बात करते हैं कि स्क्यूनस के क्या है दो प्रकार तो पहला है सममित जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन और एक असममित Distribution, normal distribution that is symmetrical distribution is point pay x bar is equal to m is equal to z. When data of series are plotted on graph and the shape of the curve becomes like a bell, then such distribution is known as symmetric distribution. Under this distribution, frequencies are increased in sequential order, then highest or at a specific point and again reduced in sequential order. Under normal distribution, mean, median, and mode are equal. The curve divides into two equal parts. It can be explained through the following. एग्जाम्पल जब हमें साइज आइटम दे रखे हैं और फ्रिक्वेंसी दे रखा है तो एक बेल शेप जबकि इस फिगर से हमें क्लियर है कि किसी भी तरह की स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं है सममित वितरण है एक्स बार एम और जेड इक्वल है अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन असमित वितरण जो पॉजिटिव या नेगेटिव ढाल लिए हुए होता है इधर की साइड राइट हैंड साइड झुका होगा या लेफ्ट हैंड साइड झुका होगा the frequency curve of the distribution is not a symmetric bell-shaped curve but it is structured more to one side than to the other such distribution is known as asymmetrical distribution in other words it has a longer tail to one side either left or margin than to other such distribution does not have equal values of x bar m and z are known as positive distribution and negative स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूनेस धनात्मक जिसे हम कहते हैं ढाल लिए हुए होती है और ऋणात्मक ढाल लिए हुए होगी तो वह ऋणात्मक और यहाँ पे एक्स बार इज नॉट इक्वल टू एम इज नॉट इक्वल टू जेड के होगा ये मैंने आपको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप बताएं अब मेन जो प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा शुरू होता है वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस फर्स्ट मेजर सेकंड मेजर थर्ड मेजर ऑफ कैलीज मेजर तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड आपके सिलेबस में और इम्पॉर्टेंट भी है फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस जिसे हम बोलते हैं काल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस दैट इज बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस थर्ड मेजर ऑफ़ स्क्यूनेस मोमेंट मेजर ऑफ़ स्क्यूनेस सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काल पियर्सन मेथड का है एस के जो है वह इसका सिम्बल होता है एस के एस के स्क्यूनेस होता है फॉर्मूला होगा आपका एक्स बार माइनस जेड यानी मीन में से मोड को घटा दीजिए यानी स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको मीन निकालना है और मोड निकालना है रिलेटिव मेजर इसका रिलेटिव मेजर दैट इज कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस जिसे जे कहते हैं एक्स बार माइनस जेड जो फॉर्मूला था डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अब बात करते हैं जब मोड इज अनडिफाइंड हो जाता है इन डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज लेते हैं मोड क्लियर ही नहीं है तो एम की एम लगा देते हैं मोड की जगह फॉर्मूला बन जाएगा एस के इजिकल टू स्मॉल ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम और बाहर आता है थ्री अल्टरनेटिव फार्मूला एक्स बार माइनस एम थ्री डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ये काल्पियर्सन था बाउले मेथड में एस के क्यू होता है क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम जे क्यू इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम डिवाइडेड बाई क्यू थ्री माइनस क्यू वन आज के मेरे इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को सिखलाऊंगी कि कैसे काल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं सबसे पहले स्टूडेंट आप ये करिए कि इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए काल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस हमें कैलकुलेट करना है सीरियल नंबर दे रखें और मार्क्स दे रखिए मैं बार बार कहती हूँ जब भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखते हैं तो आप अपनी कॉपी अपना रजिस्टर नोटबुक ले कर के अपनी बुक और पेपर पेंसिल ले करके बैठे ताकि जब मैं आपको कि नोट डाउन करो तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करते हुए नोट डाउन करिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया इंडिविजुअल सीरीज है देखते ही क्लियर हो गया अब इसका सॉल्यूशन देखिए एक्समार जेड और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए सीरियल नंबर हमको यहाँ पे दे रखा है x हो गया dx x में से ही किसी को a आप मान लीजिए तो यहाँ पे a हमने किसको माना पैंतीस को dx कैसे निकाला x माइनस ए यहाँ पे निकल गया और डी स्क्वायर एक्स कर दिया जो dx आया था उसका हमने स्क्वायर कर दिया x बार का फॉर्मूला बोलो शॉर्टकट मेथड a प्लस सिगमा डी एक्स अपॉन एन स्टैंडर्ड एवियशन का बोलिए सभी चीज अंडर अंडरवुड में होगी समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका कर लीजिए आप अंडर रूट तो आंसर आता है सिक्स पॉइंट थ्री थ्री एट टू कार्ल पियरसन कॉफिशन निकालना होता है तो बताइए अभी इसका फॉर्मूला क्या है एक्स बार माइनस एन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन की से तो एस के एक्स बार माइनस एन नहीं होगा स्टूडेंट ये मिस प्रिंट है एन नहीं है ये जैड है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो आपका क्या कहलाएगा बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जेड क्लियर है आपको तो जेड आया थर्टी फाइव स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे निकाला सिक्स पॉइंट थ्री थ्री एट टू एक्स बार कितना आया थर्टी फोर पॉइंट एट सो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हमारा आया है यहां पे नेगेटिव 0.035 अब नाउ स्टूडेंट टूडेज असाइनमेंट फॉर यू आज का असाइनमेंट है वॉट इज स्क्यूनेस एंड हाउ विल यू मेजर इट विषमता से आप क्या समझते हैं तथा उसे आप किस प्रकार जो हैं वह माप करेंगे सो स्टूडेंट स्टे सेफ स्टे हेल्दी डू योर वर्क नीटली केयरफुली एंड बी फास्ट